जो आपने देखा कि जो वीकनेस मेरा पाकिस्तान घर में थे उन्होंने सब जुमानी दी है, बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा गया, जो घर को पूरा जला दिया तो जो लोग अंदर थे वो जल के मर गए, जो लोग बाहर निकलने की कोशिश करी उसको उन्होंने चाकू छुरी से मार दिया, काट दिया। मेरा बाप उसको जो से लोगों ने बताया कि उनको बाहर घसीट के ले गए। मेरा नाम है तनवीर एहसान हुसैन जाफरी। जो आपने अभी फिल्म देखी वो मेरा घर था, और जो बात कर रहे थे वो मेरे अपा के बारे बोल रहे थे, एहसान हुसैन जाफरी के बारे। मैं सूरत में रहता हूँ, उस वक्त भी मैं सूरत में था, एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर से मैं रिटायर हुआ हूँ, ज्वाइंट जनरल मैनेजर से। मेरी अम्मी जिसका ये केस है जकिया जाफरी का, जिन्होंने हाल में जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी उनके सामने ये तोहमत करी थी, इल्ज़ाम लगाए थे उन पर कॉन्स्पिरेसी का, वो जकिया जाफरी मेरी माँ है जो अभी मेरे साथ में सूरत में रहती है। मैं चाहूँगा कि खाली सिर्फ मेरे अब्बा को इसलिए लोग पहचानते हैं कि ये गुलबर्ग सोसाइटी में जो हादसा हुआ था वो मेरे घर में हुआ था, बट मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि 62 में मेरी माँ जकिया जाफरी वो शादी होके ये भी ले सूरत अहमदाबाद आई थी, और अहमदाबाद आके वो यही इलाके में रहती थी, ईस्ट जगह गुलबर्ग सोसाइटी के करीब में रहती थी। और ये सोसाइटी कुछ दिनों बाद बनना शुरू हुई थी, निर्माण दिन थी, तो वो वहाँ पर रहती थी। और 69 में भी इसी किस्म के एक बड़े रायट्स हुए थे अहमदाबाद में, जब मैं छोटा था, मेरी बहन भी मेरे साथ थी, छोटी बहन हम दोनों थे, और दंगे हुए थे पूरे अहमदाबाद में। और ये जहाँ उस वक्त मेरा पुराना घर था, पुराने स्टाइल का था वो घर, तो वो जला दिया गया था, पास में एक चौल में था, और वहाँ से फिर हम उस ज़माने में इतनी मतलब कि नफरत इतनी फैली थी, तो मैं कहूँगा तो वो हम कुछ लोगों की मदद से हम को वहाँ से निकाल लिया गया, और हम 3 महीने तक कैंप में रहे थे। मुझे अभी अच्छी तरह याद है, वो कैंप भी आज मौजूद है वहाँ पे, और मुझे वो अच्छी तरह वो दिन भी याद है जब हम रहे थे वहाँ से। फिर जब वापस लौटने का आया तो मेरी माँ और मेरे फादर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अपने वहीं जा कर बसेंगे, और वापस वो लोग यही चमनपुरा सारवा में जहाँ पे मेरा घर अभी जलाया वहाँ आके बसे। ये गुलबर्ग सोसाइटी जब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, तो हम जब उस मकान में रहने गए क्योंकि दूसरा घर था नहीं रहने के लिए, तो वो इनकम्प्लीट मकान था और वहाँ गए। तो मैं ये कहूँगा कि उस हादसे के बाद 1969 के दंगों के बाद 30 ईयर्स और मेरा अब्बा वहाँ रहे थे, 2002 में फिर ये दंगे हुए। उसके दौरान में मेरी माँ ने बहुत सारे दंगे देखे, ऐसा नहीं था कि 69 एक ख़त्म हो गया था। फिर गुजरात में अनामत आंदोलन करके एक आंदोलन चला था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस वक्त भी वो आंदोलन चलता था, अगेंस्ट अनामत था, मगर वो थोड़े दिनों में फिर कॉमनर रियाज का टूट जाता था, तो वो सब लोग टेंशन में रहते थे। फिर भी इस किस्म की बर्बरता उसमें भी नहीं थी, थोड़े कुछ घंटों में पुलिस उसे कंट्रोल कर लेती थी। और फिर 85 के अंदर भी इस किस्म का वहाँ पर रायट्स हुए थे, और हमें भी उसका डर लगता था लोगों को आजू बाजू में, बट पुलिस का एक्शन वगैरह पॉजिटिव था सब तरफ से, तो वो लोग अपनी जगह को छोड़ के जाते नहीं थे। हाँ, कुछ दिनों के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़ा घबराहट रहती थी, और ज़्यादातर लोग जो के छोटे छोटे मकानों में सोसाइटी के एतराज़ में रहते थे, सोसाइटी एक बड़ी जगह थी, तो वहाँ आके
रह लग जाते थे सोसाइटी में। तो इस तरह से उनको एक कॉन्फिडेंस था कि अगर कुछ भी शहर में कॉमनल राइट्स के वारदातें होती हैं या टेंशन बढ़ जाता है तो वो जो हमारे एतराफ़ के लोग थे गुलबर्ग सोसाइटी में जो एहसान जापनी वहाँ रह रहे वो आके वहाँ रुक जाते थे और रात में दिन में बच्चों को छोड़ जाते थे वहाँ पे, बड़ा मैदान भी था सोसाइटी में ताकि वो वहाँ सेफ रहेंगे। और इस तरह से चला भी वो काफ़ी, मतलब इस तरह से नहीं कि एक दिन की बात थी, हर वक्त ऐसा हो रहा था। 92 में भी जब बाबरी मस्जिद को ध्वंस कर दिया गया और बाद में जो दंगे हुए तब भी मामला बहुत मतलब कि मुश्किल हो गया था कॉमन राइट्स की वजह से, बट फिर भी लोग वहाँ पे सेफ रहे। वहाँ सोसाइटी के अंदर ही पुलिस चौकी भी है जो कि सोसाइटी की ज़मीन पे डोनेट करके बनाई गई थी, तो वहाँ 2-3 पुलिस वाले हर वक्त मौजूद रहते थे तो थोड़ी लोगों को सुकून मिलता था। और जो एतराफ़ के जो लोग थे वो भी कोई इतने मतलब के वो इतना उनका गुस्सा नहीं था कि कोई वो जाके जान से मार डाले या लोगों को मार डाले, या थोड़ा गुस्सा होता था कुछ बातों को लेकर, जिससे लोकल लोग को तो लोकल सोसाइटी के लोगों का तो कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हिंदू मुस्लिम की वजह से वो हुआ करता था। बट जब ये 2002 का हादसा हुआ तब जैसे आपने देखा कि कमिश्नर मॉर्निंग में आए थे वहाँ पे और मेरे अब्बा से मुलाकात करी थी, लोगों ने उनको मुलाकात करते हुए देखा, जब भी सोसाइटी के चारों तरफ बहुत भीड़ जमा हो गई थी और उन्होंने आश्वासन दिया उन्हें कि भाई हम जल्द से जल्द वहाँ पे पुलिस भेजेंगे और पुलिस जो है उनको वहाँ पे खड़ा कर देंगे तो लोगों की जान को खतरा नहीं होगा। जो वहाँ मौजूद थे मेरे अब्बा के साथ में जो बाद में बच गए, तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई उन्होंने उनको ऑफर भी करी थी कि भाई आपको अगर निकलना है तो हम आपको ले जाते और बाद में सोसाइटी को प्रोटेक्शन देते, जिसका मेरे अब्बा ने मतलब के मना कर दिया कि भाई अगर आपको आपको निकालना है तो हम सबको एक साथ में निकालो, आप मुझे यहाँ से ले जाके मतलब मैं इनको ऐसा अकेला छोड़ नहीं सकता हूँ, बहुत सारे लोग हैं सब मेरे साथ खड़े हुए। अब ये तो सुबह 9 बजे 10 बजे की बात है जो लोग बोल रहे हैं, लोगों को उस वक्त टाइम का भी इतना अंदाज़ा नहीं था, तो सब लोग घबरा के बाहर निकल आए थे सोसाइटी के अंदर। तो हादसा हुआ, पूरे दिन पुलिस उनकी मदद के लिए नहीं आई, जो आपने देखा कि जो विटनेस मेरे अब्बा के साथ घर में थे उन्होंने सब जुर्माना दिए, बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा गया, जो घर को पूरा जला दिया तो जो लोग अंदर थे वो जल के मर गए, जो लोग बाहर निकलने की कोशिश करी उनको उन्होंने चाकू छुरी से मार दिया काट दिया। मेरे अब्बा खुद को जो से लोगों ने बताया कि उनको बाहर घसीट के ले गए। हाथ वगैरह काट दिए, कुछ लोगों ने ऐसे बताया कि चलता हुआ टायर गले में डाल दिया, जलता गले में डाल दिया। यही सोच के थोड़ा इंतजाम होता है कि वो बहुत जल्दी भर गए होंगे, वो पेड़ उन्होंने इतना सहा नहीं। उस वक्त जब हादसा हो रहा था मेरी माँ और करीबन 100 लोग मेरे घर के ऊपर थे, अब 7-1 बज गए, शाम हो गई थी, तब फिर कोई पुलिस आई और उन्होंने आवाज़ दी तो शांत, तब एहसान जापनी को मारने के बाद काफ़ी लोग वहाँ से चले भी गए थे, जो मेन दंगाई थे जिनका टारगेट था उनको मारना, तो बाद में तो थोड़ा शांत हो गया। तो उन्होंने देखा कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, लोग चले गए और नीचे से कुछ आवाज़ आई पुलिस की तो सब नीचे उतरे। तो जब ये लोग नीचे उतरे थे, ये सब विटनेस ने और कोर्ट में भी कहा है, तो उन्होंने सब वहाँ पे लाशें तो सोसाइटी के अंदर जो लाशें थी वो उनको दिखाई दी, उसमें से कुछ लोग जिंदा थे जिनको उन्होंने ले गए हॉस्पिटल में तो वो आज भी जिंदा हैं, बाकी बहुत सारे बच्चे और औरतें मर चुके थे। मगर ये बात मैं कहना चाहूँगा, जब बाद में जैसे मैं तीसरे दिन में वहाँ गया था मेरे अब्बा की लाश ढूंढने के लिए, मैं सूरत में था
मैंने कुछ बंदोबस्त किया और अहमदाबाद आया और फिर मैं उनकी अब्बा की बॉडी लेने के सोसाइटी में गया था, तो वहाँ पे मुझे कोई लाशें मिली नहीं थी। और फिर मैं वो देखने के लिए कि कहीं और उनकी लाश होगी, तो मैं हॉस्पिटल में भी गया था, वापस मैं हॉस्पिटल गया कि उन्होंने बोला हम सब बॉडी वाले गए। तो जितनी भी बॉडी मैंने वहाँ हॉस्पिटल में देखी, मेरे साथ में एक डॉक्टर भी था, मेरी सिस्टर एक डॉक्टर है उसको लेकर आई थी उनको टू आइडेंटिफाई माई फादर की बॉडी, बट वो बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी, सब जोड़ियों को उन्होंने जला दिया था, पता भी नहीं चल रहा था कि कौन मर्द है या कौन औरत है कौन बच्चा है। जब विटनेसेस ने कोर्ट में जवाब दिए और उन्होंने अपने बयान लिखाए, जैसे मेरी अम्मी ने भी लिखाया था, तो उन्होंने बोला हमने सब बॉडीज जो बाहर फैली हुई थी सोसाइटी में उनको पहचान सकते थे हम, कि ये फलाना शख्स है, फलाना शख्स है, ये रहीम भाई है, ये जुबे जो भी नाम दिए उन्होंने। मगर जब हम वहाँ गए हॉस्पिटल में तो बॉडी हमको सब पूरी तरह से जली हुई मिली थी। मतलब जब सोसाइटी के बचे हुए लोग रात में सोसाइटी से चले गए थे, तो बाहर के लोगों ने आके वो सब बॉडियों को जला दिया था, और उनकी जो जो उनके साथ में गुनाह हुए थे उनकी निशानियाँ भी खत्म हो चुकी थी, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। अब मेरी माँ ज़किया जाफरी, तो उनको ये हर वक्त ये ख्याल था और ये उसी भरोसे वो सोसाइटी में रहा भी करती थी, इतने सारे दंगे भी हो चुके थे अहमदाबाद में, फिर भी उनको कभी डर महसूस नहीं हुआ था। वो यही था कि भाई जाफरी साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक्स MP भी हैं, उनकी जान पहचान भी है और उनका बहुत एक अच्छा कैरेक्टर भी था, तो वो लोगों से बहुत मोहब्बत से बात करते थे, तो वो लोगों को मोहब्बत भी थी और इसीलिए इतना वक्त हमने निकाला भी था वहाँ पे। और ये ऐसा क्या हो गया कि पुलिस आई नहीं, मतलब अपने इतने सुबह से शाम तक का उन्होंने फ़ोन किए पुलिस नहीं आई, तो ये सवाल उनके मन में हर वक्त था। मतलब ये छोटा सा सवाल करके छोड़ देती थी। मुझे ये मालूम है क्योंकि उनके लिए ये बात एक सही भी है, क्योंकि वो बोलते थे कि पुलिस जो सोसाइटी है ग्लोबल सोसाइटी, उससे पुलिस कमिश्नर और पुलिस लाइन या पुलिस की जो पूरी फोर्स है उसका सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस है। अगर कमिश्नर अपने ऑफिस से चल के भी आएगा तो उसको 10 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, अगर वो अपनी जीप में आएगा तो इवन ओनली टेक 2 मिनट्स 3 मिनट्स। नाउ गुलबर्ग सोसाइटी, नरोडा पाटिया, नरोडा गांव, दे आर विद इन 5-10 मिनट डिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस कमिश्नर ऑफिस। तो दे डिड नॉट, मतलब सुबह आकर भी गए थे वो, फिर भी वो पूरे दिन नहीं आए, जब तक कहे तो पूरा मतलब के कत्लेआम हो चुका था। जो मुझे बाद में जब हम लोगों से मिले तो उन्होंने बताया कि जब गुलबर्ग सोसाइटी में कत्लेआम शुरू हो गया था तो पूरी जो गुजरात के अंदर जगह जगह पे बात फैल चुकी थी कि भाई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, और उसके बाद और दंगे भड़क गए थे। ये बात जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पहले गुलबर्ग में हुआ और उसको देखा देखी फिर नरोडा पाटिया में शाम को हुआ, नरोडा गांव में, और फिर और फैल गया, भाई कोई एक्शन नहीं। पूरी पुलिस जो है, एक शहर की पुलिस 8 घंटे तक एक सोसाइटी में पहुँच नहीं सकी जो उनसे 5 मिनट की दूरी पर थी। तो ये एक हमें याद रखने वाली बात है। तो ये सब जो बात की है मेरे माँ को भी मालूम थी उस वक्त, और उन्होंने जब ये थोड़ा वक्त तो चला गया, केस चलते रहे जो नॉर्मल केस चल रहे थे, फिर जब नानावटी शाह कमीशन बैठा हुआ तब उसमें जो हमारे बहुत सारे जो IPS ऑफिसर्स थे उस वक्त जो ड्यूटी पर थे, मतलब जो, तो उन लोगों ने एफिडेविट्स अपनी सबमिट करी उसमें और गुजरात दंगों को लेकर, और वो दंगों के लोगों के जो एफिडेविट्स आई तो ये बात थोड़ी बाहर आने लगी कि ये जो पुलिस का इलेक्शन था वो कोई अपने आप में अकेला नहीं था, उसके पीछे एक साजिश थी और इसीलिए पूरे गुजरात में जगह जगह पुलिस इनएक्टिव रही। और वो जो एफिडेविट सब पेपर में भी आने लगा उसके बारे में, और जो ऑफिसर्स थे वो बहुत बड़ी पोजीशंस पे थे, उन्होंने ये सब करा था, CD बनाई थी राहुल शर्मा ने कि भाई कौन पुलिस ऑफिसर कहाँ था और क्यों वो वहाँ पहुँचे नहीं, जबकि गुलबर्ग सोसाइटी से कुछ किलोमीटर के दूरी पर थे वो अपने फोर्स को लेकर पहुँचे नहीं, और जो कुछ पुलिस अगर वहाँ खड़ी भी थी तो उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। अगर 2 पुलिस वाले भी सोसाइटी में आगे खड़े हो जाते तो हो सकता है कि वो इतना कत्लेआम न होता। तो ये सब जब बातें बाहर आई तब उनके मन में भी शंका हुआ कि हो ना हो कि ये जो है इनके पीछे सरकार और पुलिस का हाथ था, सरकार का हाथ था जिसने पुलिस को लोगों को बचाने से रोका है। और फिर बाद में जो
एफिडेविट हमारे सामने है संजीव भट्ट की, उन्होंने कहा कि हमें उस मीटिंग में हाजिर था जिसके अंदर ये कहा गया था कि पुलिस जो है दंगाइयों को रोकेगी नहीं, जो उन्होंने एफिडेविट करी। तो ये सब जब हमारे सामने कागज़ आए तब ये हमने ये मन बनाया कि अपने को ये दंगों के पीछे एक पीछे का हाथ भी है जिसने दंगे करवाए, और ये पिटीशन हमने फाइल करी। पहले हमने एक FIR के लिए अर्जी करी गांधीनगर की पुलिस स्टेशन में, मगर वो रिजेक्ट हो गई। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई और SIT सुप्रीम कोर्ट में बनाई, और वो फिर उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई। अब ये आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं वो इसीलिए हुए कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके लिए तो बहुत अफसोस है कि वो रिजेक्ट कर दी गई। बट उसके साथ में उन्होंने जो कमेंट्स किए हमारे साथ में जो लोग थे, जो उनके IAS ऑफिसर्स थे, वो कोई हमारे साथ में नहीं थे, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जो उन्होंने के ऊपर जो कमेंट्स किए और जो NGOs हैं उनके ऊपर जो कमेंट्स किए, और उनको आज जेल में बंद किया है, बहुत ही मतलब के बहुत अफसोस वाली बात है। और जो उन्होंने और भी जो इससे बाहर जो बाहर आती है कि भाई एक IAS ऑफिसर की एफिडेविट को अगर आप झूठा बोल देते हो तो फिर तो आगे से कोई IAS ऑफिसर एफिडेविट ही नहीं करेगा। तो मतलब ऐसा जब हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अब और क्या क्या हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि अपने ये इसको हमें कुछ भी करके ये जो 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 गलत रिमार्क है उसे हमें रोकना होगा, और उसके लिए हमें जो भी करना है कोर्ट में करना होगा कि इस किस्म के रिमार्क तो है वो तो आने वाले वक्त के लिए बहुत ही ख़राब हमें बताते हैं। हमारे पूरी जुडिशल सिस्टम और जो हमारे पूरी सिस्टम है उसके अंदर बहुत बड़ी मुश्किलें आम आदमी के लिए खड़ी हो सकती है अगर ये चीज़ों को हटाया नहीं गया। इसीलिए मैं आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ। शुक्रिया।